Hey, what's up guys, this is Mukesh Joshi. Welcome back to another video. और ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी पूरी CSS बेसिक सीरीज़ की. जिसको नहीं पता, मेरी CSS की वीडियो चल रही है, बेसिक सीरीज़ चल रही है, जिसमें 14 एपिसोड है और ये आई थिंक 11वां एपिसोड है, जिसमें बात करने वाला हूँ फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर. ये बोला जाता है वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में कि अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स आता है तो आपको आधी CSS आती है. सब इस बात को मानते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है फ्लेक्स बॉक्स. तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो पूरी पूरी प्लेलिस्ट के लिए. तो अगर आपने बाकी वीडियोस देखी हुई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए फ्लेक्स बॉक्स समझना. नाउ, इससे पहले मैं फ्लेक्स बॉक्स को समझाने के ऊपर शुरू करूँ, मैं समझाना चाहता हूँ फ्लेक्स बॉक्स की ज़रूरत क्या पड़ती है या फिर ये इतना बूम पे कैसे है और क्यों लोग फ्लेक्स बॉक्स को लोगों ने अडैप्ट करा. इसको समझने के लिए ना 10 साल पहले चलते हैं. नाउ, ये वो टाइम है जब आप वेबसाइट बनाते हो और आप मोबाइल जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी और आप डेस्कटॉप के लिए जितनी भी वेबसाइट बनाते हो डेस्कटॉप के लिए बनाते हो और आपके सारी की सारी CSS और HTML से सारा काम हो जाता है. लेकिन तभी क्या होता है कि मोबाइल के यूज़र्स बढ़ना शुरू होते हैं, एंड्रॉयड के रेवोल्यूशनाइज होता है. एंड्रॉयड की वजह से मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल मार्केट में आना शुरू होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, लोग लेना शुरू करते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस. एंड एंड्रॉयड के साथ क्या होता है, लोग वेबसाइट या जितनी भी थी मोबाइल में चलाना शुरू करते हैं. अब क्योंकि मोबाइल की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई और जितने भी लोग वेबसाइट डेवलपर थे जैसे कि मैं या फिर जैसे कि आप, अब हम जब वेबसाइट बनाते थे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, जो हमारी डेस्कटॉप पर बनी वेबसाइट होती थी वो मोबाइल में चीज़ें नहीं खुलती थी. नाउ तो जो बड़े फर्म्स हैं उन्होंने कहा कि लेट्स डू वन थिंग, रिस्पॉन्सिव करके एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं जिसमें जो वेबसाइट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली अपने जितना भी स्क्रीन साइज़ होगा, चाहे वो मोबाइल का है, चाहे वो टैबलेट का है, चाहे वो डेस्कटॉप का है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगी अपने लेआउट को. नाउ, जो रिस्पॉन्सिव लेआउट है, यहीं से टर्म निकला रिस्पॉन्सिव लेआउट, जो डिस्प्ले की साइज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले और दिखने में सुंदर लगे और स्टिल एक्सेसिबल हो. अब जो वेबसाइट बनती थी लोगों ने इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना शुरू करा, लोगों डेवलपर्स इनको इसको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना शुरू करा, लेकिन बहुत सारी इनको कॉम्प्लिकेशन आने लग गई क्योंकि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए उनको या तो फ्लोट यूज़ करना पड़ता था या पोजिशनिंग यूज़ करनी पड़ती है और दोनों के साथ अलग अलग इशूज़ है. अगर आप पोजिशनिंग यूज़ करते हो तो आपका कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और जो स्ट्रक्चर होता था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था. एंड एट द सेम टाइम जो हम फ्लोट यूज़ करते थे, फ्लोट के साथ हमें या तो इनकन्सिस्टेंसी आती थी पूरे हमारे कोड पे और हमें एक्स्ट्रा मार्कअप यूज़ करना पड़ता था. अगर आपने देखा हो कि आपने कभी किसी को CSS में कहीं लाइन देखी हो क्लियर बोथ प्रॉपर्टी क्लियर हो उसकी वैल्यू बोथ, इस टाइप के एक्स्ट्रा मार्कअप हमें ऐड करने पड़ते थे इन सारी चीज़ों. और आपको पता है कि जो डेवलपमेंट है जो पूरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं, उनका सारा फोकस ये रहता है कि लेस कोड पर ज़्यादा अचीव कैसे करें या फिर इफेक्टिव कोडिंग कैसे करें. तो फ्लेक्स बॉक्स इंट्रोड्यूस हुआ ओवर द टाइम और मैच्योर हुआ ये पूरा कॉन्सेप्ट और डेवलपर्स ने उसको इम्प्लीमेंट पे लाना शुरू करा. फ्लेक्स बॉक्स हमें हेल्प करता है विदाउट पोजिशनिंग, विदाउट फ्लोट यूज़ करे रेस्पॉन्सिव लेआउट तैयार करने में, जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को कम कोड पे अपने एलिमेंट्स को जहां हम चाहें वहां प्लेस कर सकते हैं. प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ईजी होगी रेस्पॉन्सिव जो लेआउट है हमारा उस पर फ्लेक्स बॉक्स की वजह से. नाउ, जो फ्लेक्स बॉक्स है उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक है फ्लेक्स कंटेनर, जो कंटेनर होता है पूरे के पूरे एलिमेंट जितने भी होते हैं उस पूरे फ्लेक्स जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे कंटेनर होल्ड करता है और कंटेनर बताता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जाएगा. दूसरे एलिमेंट होते हैं ऑफकोर्स जो आइटम्स होते हैं. तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि दो चीज़ें, एक हमारे पास फ्लेक्स कंटेनर है और हमारे पास फ्लेक्स आइटम है. नाउ हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स कंटेनर की. और पहले और फ्लेक्स कंटेनर की बात करने से पहले अगर यहाँ पे देखो कि मेरे पास कोड पेन खुला हुआ है, कोड पेन है बेसिक HTML, इसमें मेरे पास एक फ्लेक्स करके क्लास लगी हुई एक डिप पे और उसके अंदर 5 मेरे पास एलिमेंट है, सबके एक यूनिक ID है और इस ID को हम यूज़ करेंगे फ्यूचर पर टारगेटिंग के लिए. फिलहाल तो मैं सब जितने भी चाइल्ड है उनको कुछ बेसिक CSS दे देता हूँ ताकि देखने में थोड़े अच्छे लगे और हमें पता चले कि एक्चुअली वो कितनी मैंने कुछ बेसिक इनको CSS दे दी है आइटम्स को ताकि दिखने में थोड़ा ठीक लगे और थोड़ी जगह घेरे ताकि मैं इनको समझा. यहाँ पे देखो जो जितने भी एलिमेंट्स, अगर आप मेरे HTML प्रीव्यू देख पा रहे हो तो सारे के सारे स्टैक हो रखे हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक. द
सबसे पहली चीज़ अगर मतलब मैं जो हमें फ्लेक्स हेल्प करता है वो करता है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेसिंग में। यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि सारे के सारे अभी कॉलम पे यानी कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक है, वन के नीचे टू, टू के नीचे थ्री, थ्री के नीचे फोर, फोर के नीचे, लाइक ये कॉलम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर मुझे ये रो डायरेक्शन में चाहिए तो ये अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है फ्लेक्स के ऊपर। आई नो इसका दूसरा तरीका हमारे पास डिस्प्ले लाइन ब्लॉक भी है, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ है वो उससे ज़्यादा हमें अचीव करने में हेल्प करती है। पहली प्रॉपर्टी है लाइक मैं चाहता हूँ कि इस रो पे आए, एक वन के बगल में टू आए, टू के बगल थ्री आए, थ्री के बगल फोर आए, उसके बगल फाइव। तो जो मेरे पास कंटेनर की पहली प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्ले फ्लेक्स, और लाइक ये तो होनी ही चाहिए अगर आपको लाइक अब मैंने जो अपना पेरेंट है उसको फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है सिर्फ इस एक लाइन को डाल के डिस्प्ले फ्लेक्स, ये होनी ही होनी है पेरेंट पे। अब मेरी जो लाइक नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे देखो तीन सिचुएशन हो सकती है, तीन कंडीशन हो सकती है, इसको वाइट एरिया को मैं बड़ा करता हूँ। माना आप अपने समझो ये मोबाइल का मेन्यू, सॉरी ये लाइक डेस्कटॉप का मेन्यू है, समझो जो मेरा ये 1 2 3 4 ये मोबाइल मेन्यू है जो हेडर मेन्यू होता है। आपने इतने वेबसाइट के डिज़ाइंस देखे होंगे, तो आपके पास किसी वेबसाइट में जो मेन्यू होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, किसी में राइट में होता है, किसी में सेंटर पर होता है। तो अगर मुझे उस तीनों डिज़ाइन को अगर इम्प्लीमेंट करना है विथ फ्लेक्स बॉक्स, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। राइट नाउ ये लेफ्ट से शुरू हो रहा है, तो यानी कि एक कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल हो गई है। अब अगर मुझे सेंटर पे चाहिए तो कैसे होगा? तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी है लाइक उसकी वैल्यू है सेंटर। जैसे ही मैं सेंटर करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मेन्यू सेंटर पर, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखते हैं इसको मैं एंड पे कैसे लाता हूँ। एंड पे लाने के लिए मेरे पास वैल्यू है वो है फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड पे लिखूंगा ये मेन्यू मेरा एंड पे आ गया, यानी कि मैं लाइक तीनों कंडीशन फुलफिल कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं इसको तीनों जगह प्लेस कर पा रहा हूँ। लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी रो ना मतलब जो पूरी जगह बच रही है, यहाँ पे देखोगे जब मैंने इसको ये स्टार्ट था फ्लेक्स स्टार्ट था ये, तब भी यहाँ पे राइट साइड में जगह बच रही थी, जब भी सेंटर था तब भी दोनों जगह जगह बच रही थी, और जब एंड पे था तब भी लाइक लेफ्ट साइड में जगह बच रही थी। क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं कि ये लाइक ये जो जगह है वो इन सारे एलिमेंट्स के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाए? तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास वैल्यू है स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन हो गया। अब यहाँ पे देखोगे जो मेरा पहला एलिमेंट है वो बिल्कुल एज पे चिपक गया है लेफ्ट के, और जो मेरा लाइक आखिरी एलिमेंट है फाइव वो राइट के एज पे चिपक गया है, और जितनी भी फ्री स्पेस थी वो बाकी एलिमेंट ने बीच में एडजस्ट कर दी है इनडायरेक्टली। लाइक जो वन और फाइव है उसके लाइक स्पेस नहीं है, जो एक्स्ट्रा स्पेस देख रहे हो लाइक ये एचटीएमएल और बॉडी की स्पेस है, यानी कि लेफ्ट में बिल्कुल स्पेस नहीं है, राइट में बिल्कुल स्पेस थी, सारी स्पेस बीच में चली गई है, और यही हमारी वैल्यू कहती है लाइक स्पेस बिटवीन। बट मैं चाहता हूँ कि जो स्पेस है वो लाइक हर जगह हो, वन के लेफ्ट में भी हो और फाइव के राइट में भी। इसके लिए हमारे पास अगली वैल्यू है स्पेस अराउंड। अब यहाँ पे देखोगे जो लाइक वन के इधर भी स्पेस मिल गई है, फाइव के इधर भी स्पेस मिल गई, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि जो यहाँ वाली स्पेस है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, मीन्स सेम जो लाइक लेफ्ट में और राइट में जो स्पेस है स्टार्टिंग और एंड पे वो कम एज़ कम्पेयर टू लाइक जो बीच में एलिमेंट्स के बीच में। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे एलिमेंट्स के लाइक स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्पेस है वो लाइक बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे और बिल्कुल इक्वल रहे, और उसके लिए हमारे पास जो अगली वैल्यू है वो स्पेस इवनली है। जैसी स्पेस इवनली का नाम जैसा कहता है लाइक हर जगह इवनली जो स्पेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और ये लाइक ये बिल्कुल रेस्पॉन्सिव है। मैं जैसे लाइक मैं अगर उसको श्रिंक करूँगा तो लाइक ऑटोमेटिकली स्पेस चली जाएगी, अगर मैं उसको लाइक ग्रो करूँगा लाइक एक्सपैंड करूँगा तो स्पेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। मैं देख सकते कितनी ईजीली सिर्फ दो लाइन के कोड से मैं इतनी प्यारी लेआउट तैयार कर पा। एक टाइम आएगा यहाँ पे देखो कि मतलब जब जगह ख़त्म हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह एडजस्ट कर रहे हैं पूरी लाइन पर रहने के लिए। तो अब मेरे को इतना तो समझ में आ गया है कि मतलब मैं रो पे उसकी पूरी अलाइनमेंट कंट्रोल कर पा रहा हूँ। बट क्या हो गया अगर मुझे ऐसे चाहिए ही नहीं था ये, लाइक बैक टू ज़ीरो आ गया हूँ मैं। क्या हो गया अगर मुझे कॉलम पे चाहिए था, अगर फॉर एग्जांपल मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और डिस्प्ले फ्लेक्स करते ये रो चला गया, बट मुझे चाहिए वही स्टाइल था लाइक स्टैकिंग। उसके लिए मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स डायरेक्शन है। फ्लेक्स डायरेक्शन पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट रो है जो अभी रो है, इस पे मेरे पास दूसरी वैल्यू है कॉलम। कॉलम करते ये लाइक एक के नीचे एक आ जाएंगे, जैसे हमेशा पहले था कि डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते ही रो बन जाता है, बट बहुत कंडीशन होती है कि आपको चाहिए कॉलम पे।
लेकिन एक बार बहुत बार ऐसा होता है कि जो नंबरिंग होती है वो लाइक मुझे एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर पे चाहिए, यानी कि मुझे 1 5 की जगह चाहिए, 5 1 की जगह चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास कॉलम पे है रिवर्स। अब यहाँ पे देखोगे 1 2 थे, लाइक उल्टी स्टैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पास रो पे भी है, रो रिवर्स है, जिसमें हमारे पास नंबरिंग उल्टी स्टार्ट हो जाएगी, लाइक 1 2 इस तरीके से। रिफ्लेक्स डायरेक्शन है, मुझे लाइक डायरेक्शन अलाउ करती है बताने के लिए कि एलिमेंट से वो किस डायरेक्शन में चलना शुरू होंगे। इतना तो मुझे समझ में आ गया, लाइक मैं हॉरिजॉन्टली कंट्रोल कर पा रहा हूँ अलाइनमेंट। कैसे मैं कंट्रोल करूँ वर्टिकली, यानी कि आप समझो ये वाइट स्पेस है, कितने पॉइंट, अगर आप इसको ग्रिड समझो तो कितने ग्रिड है यहाँ पे देखो, ओवरऑल लाइक 9 ग्रिड, लाइक 9 पॉइंट ग्रिड है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, जैसे देखो अभी ये लेफ्ट टॉप लेफ्ट में चिपके हुए हैं, हमने देख लिया कि इसको टॉप टॉप सेंटर में कैसे लाना है, हमने देख लिया टॉप राइट पे कैसे लाना है, लेकिन हमारे पास मिडल है और हमारे पास लाइक बॉटम है, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है अलाइन आइटम्स की। और सेम जो अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज चलती है, तो दोनों को साथ में लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कंटेंट को किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। मैं पहले फ्लेक्स को ना एक हाइट दे देता हूँ 100 VH की। 100 VH होती है लाइक फुल जितनी भी स्पेस अवेलेबल है। अगर आपको यूनिट्स की नॉलेज नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो मेरी सीएसएस बेसिक्स की यूनिट्स के ऊपर है, अगर आप उसको देख सकते हैं, मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। नाउ मैं इसको जस्टिफाई कॉन्टेंट का भी दे देता हूँ कि मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूँ। हाँ यहाँ पे देखो बिल्कुल टॉप टॉप और लेफ्ट में चिपके हुए हैं, है ना, सेंटर पे मैंने इसको बता दिया था कि अगर मैं जस्टिफाई करूँ तो हम इस तरह चलेंगे, ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये 5 6 7 8 9, हम एक ही करके हर जगह चलेंगे। अभी 1 पॉइंट में मैंने इसको चिपका दिया है इस तरीके से, कर तो समझ में आएगी कौन सी पोजिशनिंग में हम, मुझे ये सेंटर पे लाइक टॉप सेंटर पे जस्टिफाई कॉन्टेंट मैंने आपको बताया था, मैंने इसको यहाँ पर वैल्यू डाली सेंटर, ये मेरा सेंटर पे आ गया। मैंने उसको बताया था फ्लैग एंड जो राइट साइड के लिए एंड पे आ गया, लाइक 3 कंडीशन होगी, यहाँ पे 3 आ गई, अब यहाँ पे 4 आया। 4 के लिए क्या करना है, मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली मुझे इसको लेफ्ट में चाहिए, लेकिन अब मुझे वर्टिकली इसको अलाइन करना है। सेम अलाइन आइटम्स में करता हूँ सेंटर, यहाँ पे देखो सेंटर पे आ गया है। अब सेम अगर मुझे सेंटर सेंटर पे चाहिए, लाइक बिल्कुल ही सेंटर पे चाहिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी, ये सेंटर पे आ गया है और ये रेस्पॉन्सिव है, हर लाइक कंडीशन पे रेस्पॉन्सिव ही रहेगा। लाइक अगर मैं स्प्रिंग करूँगा तो ये रेस्पॉन्स सेंटर पे ही रहेगा। अब अगर मुझे इसको एड पे चाहिए लाइक 6th पोजीशन में, तो लाइक ये यहाँ पे सेम 7th पोजीशन में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7th पे चलते हैं, एंड उसके लिए जो हमारे पास फ्लेक्स एंड, यहाँ पे देखो आप बिल्कुल एंड पे चला गया है। देन अगेन मैं इसको सेंटर पे करता हूँ 8, एंड देन अगेन मैं इसको दोनों को करता हूँ फ्लेक्स एंड, और ये हो गया 9। यानी कहने का मतलब मैं अपने एलिमेंट्स को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, चाहे मतलब जैसे चाहे मैं वैसे उनको प्लेस कर सकता हूँ पूरे लेआउट में विदाउट लाइक राइटिंग एनी एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी कि मतलब ये सारी चीज़ें लाइक रेस्पॉन्सिव हैं। अब मुझे इनको अलाइन करना तो आ गया हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट अलाइन आइटम्स की हेल्प से। अभी भी एक चीज़ है जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर एग्जांपल लेट से इसको समझने के लिए ना एड करते देखो, अभी मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह बच रही, बट एक टाइम आ रहा है कि जैसे मैं इसको श्रिंक कर रहा हूँ तो ये श्रिंक हो रहे हैं, लाइक रेस्पॉन्सिव लेआउट अडेप्ट कर रहा है, बट एक टाइम आएगा जब ये श्रिंक होना बंद हो जाएगा, कुछ जगह ही नहीं बचेगी, तब ये कंटेंट लाइक ओवरलैप हो। अब देखो मानो ये एक मोबाइल स्क्रीन है वाइट एरिया, और किसी ने मेरी वेबसाइट खोली, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट तो वो देख ही नहीं पा रहा है, हो सकता है वो इसको उसको उसकी नज़र स्क्रॉल बार में पड़े ना, वो देख ही नहीं पा रहा है, लाइक वो व्यू पोर्ट से बाहर चला गया। और कहते हैं हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार मतलब होना ही नहीं चाहिए वेबसाइट में, मतलब ये अगर है तो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन में कुछ गलती है, आपका लाइक वर्टिकली स्क्रॉल बार होना चाहिए, फिर हॉरिजॉन्टली कभी नहीं होनी चाहिए।
एक आज के टाइम पे हॉरिजॉन्टल वेब स्क्रॉल बार आपको शायद ही किसी वेबसाइट पे देखने को मिले। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे पास है रैपिंग। अब मेरे पास जो अगली प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप है की हेल्प से मैं बता सकता हूँ कि जैसी जगह कम पड़े तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा कॉन्टेंट, और यही ट्रू नेचर है रेस्पॉन्सिव लेआउट। जैसे देखो यहाँ तो ठीक है, जैसी जगह कम होती चली जाएगी आइटम्स ऑटोमेटिकली अब शिफ्ट होते चले जाएंगे नीचे, तो ये भी ट्रू रेस्पॉन्सिव लेआउट हो गया। अब देखो मेरा जो स्क्रॉल बार है वर्टिकल वो चला गया। तो ये थी कंटेनर की बात। कंटेनर हमने पूरा समझ लिया कि किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से कंटेनर के अंदर चाहे से हम एलिमेंट कर लाइक अलाइन कर सकते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, रैप कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी लाइक अलाइनमेंट पोजिशन कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से करता हूँ, हमने कंटेनर की सारी बात कर दी, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स। एक्स व्यू सबसे पहले इसको समझ, देखो मैंने सारे सारे एलिमेंट्स को मैंने आईडी दे रखी है ए बी सी डी, पांचों पांचों एलिमेंट्स के पास जो चाइल्ड है मेरे पास, उसके पास सबकी अपनी अपनी आईडी है। अब यहाँ पे जैसे मैं श्रिंक कर रहा हूँ, मानो रैपिंग हटा देता हूँ, श्रिंक कर रहा हूँ, तो देखो मानो जो तीसरा बॉक्स है मेरा, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ लाइक इस पे जो कंटेंट है लाइक अभी तो लाइक सबकी इक्वल हाइट है, सबकी इक्वल विड्थ है। मैं चाहता हूँ जो तीसरा एलिमेंट है, जो तीसरा बॉक्स है मेरा, ये लाइक दुगना दुगनी जगह कवर करे एज़ कम्पेयर टू बाकी। उसको करने के लिए मैं बहुत ही ईजीली, अब ये मेरी पहली प्रॉपर्टी एक्स आइटम की, वो है मेरे पास एक्स ग्रो, और इसको मैं कहता हूँ टू। एक जो और एलिमेंट है ये उससे दुगनी जगह कवर करेगा। देखो नॉइस, ये तो चलो हमें दोनों चीज़ सीख लिया हमने, फ्लेक्स फ्लेक्स ग्रो भी सीख लिया, फ्लेक्स स्ट्रिंग भी सीख लिया। बट जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये एक सिचुएशन है, मानो ये मेरा लेआउट है, मैं चाहता हूँ जो मेरा वन है ना, तो मैं बोलूँ कि तेरी इनिशियल हाइट इतनी है, इनिशियल विड्थ इतनी है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा लोगो ही आने वाला है और लोगो मेरा 100 पिक्सल का ही है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि तू ज़्यादा जगह मत ले, तू ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मत हो, तेरे को बस बता रहा हूँ मैं कितनी जगह तुझे चाहिए, तो उतनी जगह ही ले। मैं इसको कहता हूँ लेट्स सेट 40 पिक्सल। तो यहाँ भी यहाँ पर देखो कि वो 40 पिक्सल पर फिक्स्ड है, यानी कि अब उसे या कितनी जगह अवेलेबल हो उससे मतलब नहीं है, वो 40 पे फिक्स है। एज यू कैन सी वो मैक्सिमम 40 जा रहा है, क्योंकि 40 जगह उसके लिए इनिशियल बहुत है, यानी कि मतलब मैं आइटम्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैं इनकी फ्लेक्स कंटेनर था उसकी प्रॉपर्टीज से मैं इनकी पोजिशनिंग तो कंट्रोल कर ही पा रहा था, बट लाइक फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से लाइक मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स की जो लाइक विड्थ है और लाइक उनका बिहेवियर है, कब श्रिंक करना है, करना है नहीं करना है, और कौन ज़्यादा जगह लेगा, इनिशियल हाइट तुम्हारी विड्थ कितनी होने वाली है, बिल्कुल कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो कुछ बेसिक्स ये फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टी थी, तो कुछ बेसिक्स था ये फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर। आई होप वो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये पूरी चीज़ के बेसिक्स की वीडियोज़ है, 14 एपिसोड है, 3 और आने वाली है। आई होप आपको मज़ा आएगा। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच होल वीडियो, होल प्लेलिस्ट, एंड इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़ प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच एंड सब्सक्राइब टू द माई चैनल।